हमारा देश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है और इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है। बहरहाल 1947 में बड़ी ग्रेट ट्रेजडी हुई थी जब कई लोग अब जो पाकिस्तान है वहाँ से इंडिया में आए और यहाँ से वहाँ पर गए, तो उन्हीं में से एक लार्ज चंक जो था वो पंजाबियों का था जो पहले पाकिस्तान में बसा करते थे और अब वो आके यहाँ पर बसते हैं। तो 1947 में दिनेश सेठिया जी की फैमिली यहाँ पर आई और उसके बाद वो यहीं बस गए गुरु नानकपुरा जयपुर में। और गुरु नानकपुरा जयपुर में इनके जो फादर थे मिस्टर राजकिशोर सेठिया, उनको बड़ा शौक था खाने पीने की चीज़ों का, तो कचौड़ी के बड़े शौकीन थे, समोसे के बड़े शौकीन थे और एलबीएड हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट की जॉब थी उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरू करी अपनी समोसे और कचौड़ी की दुकान 1980 में। सर आप कितने पढ़े हो, कितने विद्वान हो? मुझे तो ये पता है कि हम पंजाब के गढ़ में आ गए इनसाइड जयपुर गुरु नानकपुरा, तो थोड़ा सा जो है सेलिब्रेशन तो बनता ही है। सुबह सुबह कचौड़ी, समोसे, ब्रेड पकौड़े, कड़ी, और इससे अगर कोई लाइफ में अच्छा हो सकता है मुझे तो नहीं मालूम, आपको मालूम है? मुझे सब कुछ मालूम है जी, लेकिन फिलहाल मुझे ये मालूम है कि सेठिया समोसा ने अपना नाम बनाया पूरे जयपुर में और हमेशा से सेठिया समोसा बड़ा ही वेल लव्ड रहा है, और क्यों ना हो, सुपर्ब समोसा, एकदम क्रिस्प आउटर फिलिंग, और वो हल्की फुल्की नहीं, देखिए कितनी सॉलिड आउटर फिलिंग है और अंदर इसके ये देखिए मसालेदार आलू, मटर, लाल मिर्च, हरी मिर्च, बहुत ही डिलीशियस मसाले, वेरी राजस्थानी। ये अब समोसा जो है बिल्कुल राजस्थानी समोसा है और इसे सर्व किया जाता है खट्टी हरी चटनी और लाल चटनी के साथ। माफ़ कीजिएगा थोड़ा मुँह में पानी आ रहा है। कैसा है टेस्ट? हींग की कचौड़ी, खूब सारी दाल अंदर, मसाला ऊपर, बिल्कुल क्रिस्प शेल जो तब आता है जब आपका जो तेल है ना वो बिल्कुल राइट बॉइलिंग हॉट टेम्परेचर में होता है ताकि बाहर जो शेल है वो क्रिस्प हो जाए और अंदर गर्म रहे लेकिन सॉफ्ट रहे। फैंटास्टिक। मैं तो इनफैक्ट मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ये सब चीज़ें खाऊं जब उसमें मैं चटनी भी ना डालूं, मेरे को सिर्फ डायरेक्ट गर्म तले हुए क्रंची टेस्ट का मज़ा आता है। देखिए लाओ लाओ, गर्मा गर्म, लवली लवली लवली। लेकिन अगर आप इस कचौड़ी को खाएंगे तो रिकमेंडेशन ये है कि लवली इसको ये कड़ी के साथ खाएं जो यहाँ अवेलेबल है। ओहो हो, ये जो है ना ये दो कल्चर्स का मिक्स है, ये कड़ी, ये राजस्थानी भी है और पंजाबी भी है और दोनों का बेस्ट लेके बहुत ही फैंटास्टिक कड़ी। तो अपने कचौड़ी को या समोसे को सही स्टाइल में खाने के लिए कड़ी में डिप करें, अच्छे से कड़ी इसमें सोक करें और फिर चटनियों के साथ इसे खाएं। एक आपके लिए टिप, हैशटैग रोड ट्रिपन विद आरएनएम एंड हिस्ट्री टीवी 18 से सुबह उठिए, 4 बजे उठिए सूर्य अस्त के पहले और सूर्य चढ़ने से पहले एक्सरसाइज कीजिए खूब सारी बॉडी के लिए माइंड के लिए, उसके बाद आइए और अपनी फेवरेट जगह पे जैसे इन दिस केस सेठिया समोसा खूब गरम गरम नाश्ता खाइए। झूठ बोलना मत सीखिएगा, सुबह उठिए सीधा समोसा खाने आइए। तो तीन ही चीज़ें बनाते हैं बहरहाल, ये चार चीज़ें, समोसा, हींग की कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी और ब्रेड पकौड़ा, और हर एक चीज़ बड़ी शानदार डीप फ्राइड आपको मिलती है। चाय पहले मिला करती थी लेकिन कोविड के टाइम के बाद अभी तक चाय शुरू नहीं हुई है, पर यहाँ पर आके आपको वो असली टेस्ट मिलेगा जो एकदम आंखें खोल देता है सुबह सुबह। तो बहुत ही बढ़िया प्याज की कचौड़ी, और राजस्थान में जयपुर जो है ये गढ़ है प्याज की कचौड़ी का, यहाँ पे बहुत मशहूर प्याज की कचौड़ी मिलती है कई जगह पर, लेकिन ये जो है इक्वली ब्रिलियंट कचौड़ी, बहुत ही टेस्टी। प्याज की जो एक मिठास है वो कचौड़ी के अंदर बैठ चुकी है, जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह से बनाई गई है तो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है अंदर से, और ये जो समोसा है इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। देखिए समोसे की जो फिलिंग है एकदम सॉफ्ट, तो ये बॉयल्ड फिलिंग सी है, पहले कुक करके बनाई गई है, बिल्कुल पेस्ट ऑलमोस्ट, तो ये चंकी समोसा नहीं, बड़ा ही प्लीजिंग, बड़ा ही सॉफ्ट ऑन द पैलेट, बहुत ही स्पाइसी समोसा, और मेरे ख्याल इसीलिए ये इतना मशहूर हो गया। देखो कई स्टीरियोटाइपिंग जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, सो मैं आपको ये बता सकता हूँ यहाँ पे जो भी मिल रहा है सेठिया समोसा में वो पंजाब की जेनरोसिटी और स्पिरिट से मिल रहा है। छोटा समोसा नहीं है, समोसा है, ब्रेड पकौड़ा नहीं है, ब्रेड पकौड़ा है। तो मतलब हम जैसे लोग जब आते हैं ना हमारे को डबल खुशी होती है कि एक तो बहुत टेस्टी है, सेकेंडली बहुत गर्म है, एंड थर्डली साइज बहुत ज़रूरी होता है, और कड़ी बहुत अच्छी होती है। पी के देख, बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी। आहा,
पीछे हमारे एक भाई साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं एक हफ्ते से ऑर्डर दे रखा है, खूब सारी जो है एक हफ्ते से मैंने इनको ऑर्डर दे रखा है, ये लो तो मथुरा लेके जानी हो रहा है, महीने दो महीने में मुझे भेजनी पड़ती है, उनकी डिमांड आती है और चीजें नहीं कहते हैं, कहते हैं जी आपने कचोरी जरूर लेके आनी है सेतिया वालों से। क्या बात, और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे इसके पहले आए थे जो बैंगलोर ले जा रहे थे 25 समोसे, कोई और आया था कहते दिल्ली में ले जा रहा हूँ, तो मतलब इनके समोसे सिर्फ यहाँ नहीं पूरे इंडिया में मशहूर है। और इतने मशहूर है कि यहाँ के जो लोग हैं वो तो खाते हैं, इंजॉय करते हैं, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो भी इंजॉय करते हैं, और ऐसे ऐसे टूरिस्ट नहीं, कई टूरिस्ट जो मर्सिडीज चलाते हैं वो भी इधर आके खाते हैं। आप जानते हैं ऐसे लोगों को जो मर्सिडीज चलाते हैं, गाड़ी का नंबर भी आना चाहिए। ऐसे कई लोग आते हैं यहाँ पर। तो चल जल्दी से खत्म कर, अभी जाना आगे। इफ यू आस्क मी रॉकी भैया, दिस जो मर्सिडीज बेंज जीएलसी है, इन्होंने जो ये सारे फीचर्स जो डिजाइन किए हैं, a lot of them have been designed with very specific Indian conditions in mind. Acha, haan, like what? Tell me. जैसे जो आपका कैमरा है, जो आपका पार्किंग कैमरा है, right. उसमें को पता है कि very often as Indians we are used to parking in very tight spaces. तो चारों तरफ उन्होंने 360 डिजाइन पैकेज दिया, असिस्ट पैकेज दिया। That's a real help here. आगे पीछे everything. और मैं वो भी देख रहा था उस दिन, हम जब अपनी शॉट्स ले रहे थे, हमारे कैमरा वाले जो है, जब अपनी शॉट्स ले रहे थे, तो वो बाहर खड़े थे गाड़ी के, तो I could see him moving around the car. बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल 360 sort of view है। हाँ। और खासकर वो जब अगर कोई लो पत्थर या कोई लो पिलर निकला हो जमीन से जो आपने देखा नहीं, तो यू कैन हिट दैट, पर इस गाड़ी में वो प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज़ यू हैव अ 360 व्यू कि कौन सी चीज कहाँ पर है। एब्सोल्युटली, एंड मेरे को ये भी अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है बहुत ठंडा एरिया, यू हैव योर ओन क्लाइमेट कंट्रोल, यस, मेरे को थोड़ा सा उससे वो अच्छा लगता है, तो मेरे पास अपना वो है, नो इट्स वेरी गुड कंट्रोल, और जस्ट On the roads, the Mercedes-Benz GLC जो है, बिल्कुल. On the road, it's a dream. It handles like a dream. Overtaking पे हो आप, या driving control पे हो, या braking हो, everything is just so good. I mean, it just look at this. The reaction is so fantastic. And of course, you have to obey the city limits and the speed rules etc. Speed limits. लेकिन रिएक्शन गाड़ी की हमेशा फर्स्ट क्लास रहती है और कंट्रोल पूरा का पूरा रहता है। सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड द ड्राइविंग ऑफ द मर्सिडीज बेंज जीएलसी। ये क्या किया? नेविगेशन ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है, इनका अपना सेपरेट होता है, तो अच्छा मेयरफोर्ड ले जा रहे हो आप, यू कांट इवन सरप्राइज मी नाउ, जहां भी आप ले जाओगे मेरे को पता लग जाएगा आप कहां जा रहे हो। नॉट जस्ट दैट, लुक एट द स्क्रीन, हाउ ब्यूटीफुल दैट स्क्रीन इज हियर। So I'm really enjoying this vehicle. अच्छा वैसा करते हैं, अगली जगह प्लॉट करें खाने के लिए कहाँ जाना है। दोपहर हो रही है, मुझे भूख लगने लग रही है, क्योंकि अगर तू करेगा नहीं तो मैं तो अपनी मर्सिडीज बेंज जीएलसी चलाता रहूंगा अपना मसाजर ऑन करके। ये लो जी आपका हो गया। ओह या माय लो बैक, लीन बैक। कैन यू इमेजिन, मैंने कभी ऐसा सोचा था तूने कि जब तू बहुत चलाने के बाद, गाड़ी चलाने के बाद थक जाएगा और लोग बोलेंगे आप आराम करो, लेट जाओ, यू बी लाइक नहीं यार थोड़ी गाड़ी और चला लेता हूँ, आराम मिलेगा मेरी बैक को। हाँ, मैं तो आपसे बात भी नहीं करने जाता, मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे जगा देने जब मेरा खाना आएगा।